ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया, राइट, और टाइम मेजरमेंट का भी लेक्चर हमने एक लिया था। आज की क्लास में हम पीरियोडिक मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको टाइम मेजरमेंट के ड्यूरिंग भी बताया था कि जो वॉच होती है वो पीरियोडिक मोशन के प्रिंसिपल पर काम करती है। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है या वो मूवमेंट होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होती है। दैट मींस जो एक फिक्स्ड टाइम वैल्यू के बाद रिपीट होती है। सपोज दैट कि दिस इज पेंडुलम। अब देखिए, ये अपने मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा, फिर वापस अपने मेन पॉइंट पर आएगा, फिर अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा, वापस अपने मेन पॉइंट पर आएगा। दैट मींस ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट कर रहा है अपनी मूवमेंट को, है ना। तो ऐसी मूवमेंट को अपन पीरियोडिक मोशन कहते हैं, राइट बच्चों। अब पीरियोडिक मोशन का एक बेहतरीन एग्जांपल है पेंडुलम, ठीक है, है ना। तो पेंडुलम की स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले हम पेंडुलम की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, जो पेंडुलम होता है उसमें एक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे लॉन्ग थ्रेड होता है इस तरह से, ठीक है, थ्रेड। और इसके यहां पर एंड पर एक मेटल बॉल लगी होती है, मेटल बॉल यहां पर लगी है जिसको बॉब के नाम से जाना जाता है। और ये एक लॉन्ग थ्रेड है जिसके साथ ये बॉल लगी है, और ये पूरा जो है किसी एक रफ सरफेस के साथ हमने इसको अटैच कर रखा है यहाँ पर, और ये इस पूरे इस थ्रेड की या इस पेंडुलम की लेंथ है, ये पूरी ये लेंथ है इस थ्रेड की, राइट। तो एक पेंडुलम की स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है। अगर आपके एग्जाम में आए कि एक पेंडुलम की स्ट्रक्चर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो वेरी सिंपल, ठीक है, रिजिड सपोर्ट, राइट, लॉन्ग थ्रेड एंड द मेटल बॉल नोन इज बॉब, राइट, एंड दैट इज द लेंथ ऑफ थ्रेड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब पेंडुलम जो है वो अपनी मूवमेंट कैसे करता है, ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो ये यहां पर पेंडुलम है बच्चों, राइट, ये पेंडुलम का मेन पोजिशन है, यानी ये ए पॉइंट जो है ये इसका मेन पोजिशन है, इसको अपन मीन पोजीशन लिख लेते हैं यहाँ पर। ये इसकी सेंटर पोजीशन है, मीन पोजीशन का मतलब ये इसकी सेंटर पोजीशन है, राइट। जब भी पेंडुलम मूव करता है तो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करता है। सो दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, डिनोटेड बाय सी, इसे अपन सी से डिनोट करते हैं, राइट। इसी तरह ये भी पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशन है जिसे हम डिनोट कर रहे हैं बी से, ठीक है। तो पेंडुलम अपना मूवमेंट कैसे करता है, पेंडुलम हमेशा मेन पॉइंट से, दिस इज द मेन पॉइंट से वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, दिस इज सी, नाउ कम बैक ऑन मेन पोजीशन एंड वंस अगेन मूव टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज बी, राइट। तो B, A, C and come back to B, इस तरह से ये मूवमेंट करता रहता है इस तरह से पेंडुलम, राइट। और पेंडुलम की एक मूवमेंट जो होती है उसको हम ओसिलेशन कहते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपने यहाँ पर एक पेंडुलम की स्ट्रक्चर और उसकी मूवमेंट के बारे में समझा है, करेक्ट बच्चों। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं पेंडुलम के मूवमेंट के रिगार्डिंग और पेंडुलम की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो
नेक्स्ट देखिए, अ सिंपल पेंडुलम कंटेन्स अ मेटल बॉल कॉल्ड ए स्पोक. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट इज अ मेटालिक बॉल और स्टोन, इसकी जगह आप स्टोन भी यूज कर सकते हैं. विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टेन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हो गई है बच्चों, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि एक रिजिड सरफेस है, इसके साथ थ्रेड से ये मेटालिक बॉल अटैच है. इसी पूरी स्ट्रक्चर को हम पेंडुलम कहते हैं. राइट बच्चों, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये पूरा बताया है. आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है, कि एक थ्रेड जो कि एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है और उस थ्रेड के साथ एक मेटल बॉल जो है वो जुड़ी हुई है, लिंक्ड है. इस पूरी स्ट्रक्चर को पेंडुलम अपन बोलते हैं. As we discuss, मैंने आपको बताया था कि पेंडुलम ऑसिलेटरी मूवमेंट करता है या ऑसिलेशन करता है. ऑसिलेशन एक तरह का पेरियोडिक मूवमेंट है बच्चों, ठीक है ना. नाउ व्हाट इज ऑसिलेशन, हियर यू डिस्कस द टू एंड फ्रो मोशन. फ्रो मींस फ्रॉम. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड ए ऑसिलेटरी मोशन. इसको समझिएगा, ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, टू एंड फ्रॉम मोशन. टू एंड फ्रॉम, देखिए इसको समझिएगा, इसको हम थोड़ा बैक चलते हैं और यहां समझते हैं. देखिए टू एंड फ्रॉम, ठीक है. देखिए कहां पर आया, एक्सट्रीम पोजीशन पर आया. फ्रॉम कहां से आया, ए से, मीन पोजीशन से. तो टू एंड फ्रॉम मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, वापस मीन पोजीशन पर आना. इस तरह की मोमेंट को टू एंड फ्रॉम मोमेंट भी कहते हैं और यही मोमेंट होती है ऑसिलेटरी मोशन. राइट बेटा, सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि एक पेंडुलम की मोमेंट ही ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है. राइट, द वर्ब ऑफ द पेंडुलम डज मूव फ्रॉम द सेंटर, है ना. मैंने कहा था ना कि सेंटर यानी वो मीन पोजीशन से मूव करता है ऑफ द पेंडुलम टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ऑन द अदर साइड. मैं पूरी बात आपको बार बार यही समझा रहा हूँ, ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन का यही मतलब है कि वो अपनी सेंटर पोजीशन या अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगा. इस तरह की मूवमेंट को अपन ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन कहते हैं और पेंडुलम इसी प्रिंसिपल पर काम करता है. समझ में आया बच्चों, आज के बाद आप ये समझिएगा कि ऑसिलेशन मोशन का मतलब पीरियोडिक मोशन ही है जो कि पेंडुलम करता है. और क्या होती है ये मूवमेंट, सेंटर पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना और वापस सेंटर पोजीशन पर आना. है ना, बहुत सिंपल है ना, इस तरह से समझिए ना भैया. सेंटर पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाना, वापस सेंटर पोजीशन पर आना, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना और वापस सेंटर पोजीशन पर आना. That kind of movement known as periodic movement. Is that clear? Now, oscillation. When the ball moves from its center to its extreme end, it's said to complete one oscillation. देखिए मैं आपको यही चीज समझाने जा रहा था कि जब एक पेंडुलम अपनी सेंटर पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर वापस अपनी सेंटर पोजीशन पे आ जाए तो इसे हम एक ऑसिलेशन कहेंगे और इसमें जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहा जाएगा. समझ में आ रहा है, मैं बार बार फिर रिपीट कर देता हूं. सेंटर पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वापस सेंटर पोजीशन पर आना, ठीक है, एक बार जाना और वापस अपनी सेंटर पोजीशन पे आना, ये एक ऑसिलेशन कहा जाएगा. ठीक है, यही चीज मैंने आपको पहले बताई और आपसे कभी पूछ लिया जाए वन ऑसिलेशन का मीनिंग क्या होता है, तो वन ऑसिलेशन का मीनिंग होता है कि पेंडुलम अपनी सेंटर पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर वापस अपनी सेंटर पोजीशन पर आता है, इसे अपन वन ऑसिलेशन कहते हैं. राइट बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक ऑसिलेशन क्या होता है,
एक ऑसिलेशन मैंने अभी बताया, सेंटर पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट पर एक बार जाएगा और एक्सट्रीम से वापस सेंटर पॉइंट पर आएगा, ये वन ऑसिलेशन होगा। और इस वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आप पीरियोडिक मोशन या पेंडुलम या ऑसिलेशन के बारे में समझे होंगे, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट बेटा। नेक्स्ट, अब आपकी ये दो छोटी छोटी टर्म्स है, एग्जाम में वन मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्पीडोमीटर क्या होता है? ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर अक्सर आप अपनी बाइक, अपनी स्कूटर, अपनी कार के डैशबोर्ड पे देखते होंगे, ठीक है ना। स्पीडोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज इन व्हीकल्स सच एज कार्स एंड ट्रक्स विच मेजर द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। स्पीडोमीटर कार, स्कूटर, बाइक, ट्रक्स, बसेस, इन पे लगा होता है। और स्पीडोमीटर का काम है कि जो व्हीकल है उसकी स्पीड को मेजरमेंट करना। किसको मेजरमेंट करना? स्पीड को। और यहां पर जो बेहतर क्वेश्चन है वो ये है कि स्पीडोमीटर किसको मेजर करता है, ये सभी को पता है किसको मेजर करेगा, स्पीड को, बट किस यूनिट में मेजर करेगा, दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन। ये मेजर करता है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड को मेजर करेगा किलोमीटर पर आवर में, राइट बेटा। तो स्पीडोमीटर मेजर टू स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन। ओके, नाउ वंस अगेन हियर वी डिस्कस ओडोमीटर, ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ मीटर यू ऑब्जर्व इन डैशबोर्ड ऑफ योर कार, ठीक है। वन इज स्पीडोमीटर एंड द अनदर इज ओडोमीटर। नाउ व्हाट इज ओडोमीटर? इट इज अ डिवाइस व्हिच मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल इन मीटर्स और किलोमीटर्स। अब आप देखते हैं कि यहां पर ये जो एक मीटर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो मेजर हो रहा है ये स्पीड मेजर हो रही है कि 20 की स्पीड में कार चल रही है, 40, 60, 80, 100, दिस इज द स्पीडोमीटर। बट यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर कुछ यूनिट है लाइक दैट 5, 8, 5, 1, दैट काइंड ऑफ यूनिट। और यहां ऊपर लिखा हुआ है किलोमीटर। यहां पर जो ये यूनिट आ रही है ये किसको मेजर कर रही है? डिस्टेंस को मेजर कर रही है। डिस्टेंस को मेजर करने वाला जो मीटर होता है दैट इज ओडोमीटर। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर ये जो मीटर है वो दोनों फंक्शन कर रहा है, स्पीड को भी मेजर कर रहा है, दैट इज स्पीडोमीटर। और स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में मेजर होगी। और डिस्टेंस को मेजर करने वाला जो मीटर होगा दैट इज ओडोमीटर। दैट मींस ओडोमीटर मेजर ओनली डिस्टेंस। एंड नाउ हियर वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये डिस्टेंस किसमें मेजर करेगा? ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करेगा मीटर या किलोमीटर में, मीटर या किलोमीटर में, मीटर या किलोमीटर में ये मेजर करेगा, राइट बच्चों। तो आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं ये मान सकता हूं कि आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर देंगे। स्पीडोमीटर मेजर्स टू स्पीड एंड ओडोमीटर मेजर्स टू डिस्टेंस, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 100% मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ठीक है। सो बी केयरफुली एवरीबॉडी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। और आज हम ऐसा पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए बोनस रहेगा, बिकॉज जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप इमीडिएट इसको अटेम्प्ट कर देंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? आइए पहले इसको रीड करते हैं, और रुकिए, चलो रीड करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर मैं एक ग्राफ डिजाइन कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, राइट बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि ये x एक्सिस पर टाइम ले लेता हूं, ठीक है ना, और यहां पर मैं
डिस्टेंस लेता हूं, ठीक है, यूनिट आप बताएंगे या देखिए किलोमीटर में है, और अगर ये सपोज करो मिनट या आर मिल गया आपको, जो भी यहां पर यूनिट देनी होती है, ठीक है। तो टाइम, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको अगर हम एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करें तो अपन उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। सपोज करते हैं बच्चों कि कोई भी एक व्हीकल या कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक मिनट में एक किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, राइट बच्चों। इसी तरह अपन ये कहें कि दो मिनट में वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहां पर देखिए इनको मिलाने वाली ये लाइन हो जाएगी, यहां पर इनको मिलाने वाली ये लाइन हो जाएगी। इस तरह से हम इनका एक रिलेशन दे सकते हैं, है ना। सपोज करो कि 3 मिनट में 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो इनको मिलाने वाली ये लाइन हो जाएगी, राइट बेटा। इसी तरह से आपको ये पूरा का पूरा जो है वो रिलेशन देना है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एक बार फिर समझिए, ए ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, ए ग्राफ विच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ऐसा ग्राफ जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में बताता है, ऐसे ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। सिंपल भाषा में बता देता हूं बच्चों, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं, राइट बच्चों। अब आपने ये देखा है हमारा जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी व्हीकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेनली वो दो टाइप की मूवमेंट करता है, एक थी यूनिफॉर्म मोशन और एक थी बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको ध्यान है तो हमें थोड़ा आसान रहेगा पढ़ना, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब था एक फिक्स्ड डिस्टेंस एक फिक्स्ड टाइम ऑफ इंटरवेल में ट्रेवल हो रही है, जैसे कि 2 मिनट में कोई एक कार 2 किलोमीटर जा रही है, 4 मिनट में वो 4 किलोमीटर जा रही है, 6 मिनट में 6 किलोमीटर जा रही है, समझ रहे हो आप। मतलब उस कार का जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है वो हर 2 मिनट में 2-2 किलोमीटर आ रहा है, मतलब वो एक फिक्स्ड स्पीड से जा रही है। इस तरह की मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बताया था कि जैसे कार पहली 2 मिनट में 2 किलोमीटर चल रही है, फिर 4 मिनट में वो 8 किलोमीटर चली, फिर अगली 6 मिनट में वो 2 किलोमीटर चली, मतलब क्या हो रहा है, कभी स्पीड कम हो रही है, कभी स्पीड ज्यादा हो रही है, या यूं समझिए कि अलग अलग टाइम ऑफ इंटरवेल में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इस तरह की मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप एक बहुत बड़ी भीड़ के अंदर, क्राउड के अंदर, बहुत ज्यादा डेंस एरिया है और वहां आप किसी सिटी में कार ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या होगा, कभी कार थोड़ी तेज रन होगी, फिर बिल्कुल स्लो हो जाएगी, फिर थोड़ा मीडियम चलेगी, मतलब आप अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। सो दैट काइंड ऑफ मोशन नॉन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इज दैट क्लियर। सो हियर वी डिस्कस टू टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, और इन्हीं को हम आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऐसे इनको आप समझने का आज हम प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, यस, फिलहाल यहां पर अलग अलग मोशन का अलग अलग हमें सिंप मिलेगा। देखिए अगर हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन वाला मिलेगा इस तरह से, ठीक है। यानी स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हमें यूनिफॉर्म मोशन के लिए मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है। और अगर कोई, जैसे आपको ये बोल दिया, एक सवाल भी आता है आपकी बुक में भी है कि अगर एक कार पार्किंग में लगी हुई है, तो
तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अब आप समझिए कि वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, टाइम एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आएगी, ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर ये लाइन आ रही है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अगर हमें कोई ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल मिल रहा है, दैट मींस कि वहां किसी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही है। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको इस तरह से कर्व ग्राफ मिलेगा, यानी कर्व शेप का आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, या आप इस तरह इसको यूं डिजाइन कर सकते हैं, इस तरह से कर्व शेप का ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कभी स्पीड कम है, कभी स्पीड ज्यादा है, कभी स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब अलग अलग टाइप की स्पीड है। इवन आपको ये जिगजैग भी मिल सकता है, यानी इस तरह से भी मिल सकता है। तो जो जिगजैग या कर्व शेप का आपको ग्राफ मिले तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा। कौन सी मोशन के लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और अगर आपको एक लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होती है। और अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दैट मींस वो एक जगह रुका हुआ है, वो आगे मूव भी नहीं कर रहा, वो उसी जगह पर रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आइए हम थोड़ा इसको डिटेल से देखते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। जितना हम अच्छे से समझेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा होता जाएगा। चलिए बच्चों बात करते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है आपके सामने, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लिया गया है। मैं लिख के दे देता हूँ आपको, यहाँ पर डिस्टेंस लिया गया है और यहाँ पर टाइम लिया गया है एक्स एक्सिस पर। सपोज कि एक मिनट में, ये एक मिनट है, एक मिनट में यहां पर सपोज करते हैं कि 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, ठीक है, या किलोमीटर मान लो, मीटर मान लेते हैं। दो मिनट में, ये दो मिनट है, दो मिनट में 20, तीन मिनट में 30, चार मिनट में 40, है ना 40, और पांच मिनट में यहां पर 50, और 6 मिनट में यहाँ पर 60 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। आप देखिए यहाँ गैप हर टाइम में कितना कितना मिनट का गैप है, एक एक मिनट का, एक एक मिनट का गैप है देखिए। और यहां भी देखिए 10-10 का डिफरेंस आ रहा है देखिए यहाँ पर। मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि हर एक मिनट में वो 10 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी हर एक मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो 10 मीटर हो रही है। मतलब ये कांस्टेंट हो रहा है, देखिए कांस्टेंट टाइम गैप में कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। इस तरह की मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और अब अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो सभी पॉइंट्स मिलाने के बाद हमें जो ग्राफ मिला ये कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला हमें। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किसको? यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई है, करेक्ट। अब हम चलते हैं बच्चों, ये यूनिफॉर्म मोशन आपने देखा, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। चलिए देखिए बच्चों, मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको या तो कर्व शेप का ग्राफ मिलेगा, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कर्व शेप का, या मैंने आपको कहा था जिगजैग ग्राफ मिलेगा, देखिए इस तरह से जिगजैग। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है यहाँ पर। इसमें आप क्या देख रहे हैं बच्चों? यही बात है, यहाँ पर हमने टाइम लिया है और यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिया है। वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। आप देखिए बच्चों कि पहले एक मिनट में स्पीड ये है, फिर दो मिनट में स्पीड ये है ना, तीन मिनट में देखिए स्पीड इतनी हो जाएगी। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए चार मिनट में बहुत कम है, पांचवी मिनट में देखिए आप स्पीड बहुत ज्यादा है, और छठी मिनट में और ज्यादा स्पीड आ रही है। मतलब आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया बच्चों
कि अलग अलग टाइम गैप में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो अलग अलग हो रही है, अलग अलग स्पीड है, तो इस तरह की मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कहीं कम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और कहीं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, राइट बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं बच्चों, यहाँ पर ये तीन ग्राफ है, अब आपको समझाना है कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म। देखिए बच्चों, आपको कुछ नहीं देखना है, आप ये देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ मिल रहा है तो आप बताइए कि ये मोशन कौन सी है, यूनिफॉर्म। अगर आपको जिगजैग या कर्व शेप का मिले इस तरह से तो आप बताएंगे कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर आपको टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन मिल जाए इस तरह से, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, मतलब वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, नो मूवमेंट, किसी तरह की मूवमेंट नहीं कर रहा है, राइट बच्चों? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। यहां पर भी आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखो यहां पर ये हमें स्ट्रेट लाइन यहां पर मिली है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब कि ये कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म। कंबाइंड ग्राफ में बच्चों देखिए, यहां पर आप देखिए ये आपको कर्व शेप का मिला है, तो ये आपकी कौन सी मोशन हो गई बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। और यहां पर आपको देखिए इस तरह से पैरेलल लाइन मिल रही है टाइम एक्सिस के साथ, तो ये वाली लाइन देखो, ये वाली तुमने बता रहा हूं, तो ये वाला जो है वो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब कि ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ए लाइन किसका ग्राफ है, तो ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का। मैं अगर कहूं कि बी लाइन किसका ग्राफ है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और अगर सी लाइन में पूछूं तो ये है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, मतलब ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। मैं मान सकता हूं बच्चों कि शायद आपको कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें ये बताता है कि मूवमेंट इस तरह की हो रही है, राइट बच्चों? अच्छा, एक और चीज मैं यहां पर आपसे बात करना चाहूंगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना केवल हमें ये बताता है कि यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हमें वो भी ये भी बताता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, कौन स्लो चल रहा है और कौन फास्ट चल रहा है। आइए मैं आपको एक ग्राफ से बताता हूं। देखो सपोज करो कि हम एक ग्राफ बनाते हैं, इधर मैं टाइम लेता हूं x एक्सिस पर और इधर y एक्सिस पर मैं डिस्टेंस लेता हूं, ठीक है? तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अब यहां पर मैं देखो क्या कर रहा हूं, देखो ये कोई a ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफ है, और ये कोई b ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफ, ये b का। अब आपसे ये पूछा जाए कि कौन फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है? तो आपने कभी वो फिसलन पट्टी वाला झूला झूला आपने, है ना? फिसलन पट्टी पर हम ऐसे ऊपर जाते नीचे आते ना ऐसे, तो उसकी जो उसकी स्लोप होती है, स्लोप क्या होती है, ऊंचाई से ऐसे नीचे आने की, है ना, जो स्लोप होती है उसकी, तो जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा हो, समझ लेना उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी ज्यादा है। अभी तक देखिए, सपोज करो ये फिसलन पट्टी है, तो इसकी स्लोप क्या है, ज्यादा है। यहां पर आप देखिए इसकी स्लोप ज्यादा है और इसकी स्लोप क्या है, कम है। इस पे आप फास्ट गिरेंगे और इस पे आप धीरे धीरे आएंगे, है ना? तो जो ग्राफ जिसकी स्लोप ज्यादा हो वो ऑब्जेक्ट हमेशा फास्ट मूव करेगा, यानी इसकी स्पीड ज्यादा है, यानी इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। और जिसकी स्लोप कम हो, यानी इसका मतलब कि वो स्लो मूव कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, सबस इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है ना? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड का भी पता चल सकता है, ठीक है? और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलेगा कि वो मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या वो स्टेशनरी है, ठीक है? तो बच्चों ये आपका चैप्टर हो गया है पूरा। अब आप इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करेंगे, फिर हम आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, ठीक है? ओके।